जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि काफी सारे ऐसे एप्लीकेशन के बारे में मैं बात किया हूँ कि जहाँ पे आप आसानी के साथ इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और इंस्टेंट अप्रूवल भी हो जाता है और साथ में आप अपने अकाउंट के अंदर उसको डिसबर्स करा सकते हो। लेकिन बात दोस्तों यहाँ पे पर्सनल लोन की नहीं है, बात यहाँ पे है बड़ा अमाउंट का, यानी कि जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि काफी सारे ऐसे वीडियोस के अंदर मैंने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक ही बताया था कि कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई कर लेना है। लेकिन इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं फ्लर्टन इंडिया के बारे में, जो एक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन है, जो कि दोस्तों यहाँ पे 50,000 से लेकर 25 लाख तक लोन आपको प्रोवाइड करा रही है। और बात करूं दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है। और सबसे दोस्तों कमाल की चीज ये है कि अगर आपका लोन यहाँ पे अप्रूवल हो जाता है, यानी कि आप इलिजिबल जब हो जाते हैं, तो जितना भी लोन मिलेगा उसको आप 12 महीने से लेकर 60 मंथ के बीच तक उसको ईएमआई जो है कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि उसका इंस्टॉलमेंट बना सकते हो और इजिली दोस्तों उसे रीपेमेंट कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा यूनिक है। अब डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, कौन बंदा इस चीज को अप्लाई कर सकता है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक स्टेप बताया हूँ, एक एक स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुलेटन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके से ऑप्शन बन के आएगा। सिंपली यहाँ पे परमिशन पे क्लिक करके यहाँ पे परमिशन आपको दे लेना है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे ग्रांट परमिशन सक्सेसफुल यहाँ पे देंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब कुछ इस तरीके से दोस्तों आपके सामने होम पेज बन के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फुलेटन इंडिया करके आ गया सबसे टॉप पे ही, साथ में आपको यहाँ पे बोल रहा है अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना पड़ेगा, उससे आप पहले आपको दो ऑप्शन पूछ रहा है, बोल रहा है कि आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सैलरीड के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी लास्ट में बता दूंगा कि उन बंदों के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इससे पहले दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि फिलहाल अभी आपको क्या क्या चाहिए। आपको फोटो यहाँ पे लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ में आपको दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या फिर से पासपोर्ट हो। उसके साथ साथ दोस्तों लेटेस्ट सैलरी स्टेटमेंट एज प्रूफ ऑफ इनकम में आपको लगेगा, साथ में आपका बैंक स्टेटमेंट लिखेगा। साथ में दोस्तों लोन रिपेमेंट का जो ऑप्शन आपको 12 मंथ से लेकर मैक्सिमम 60 मंथ यानी कि 5 साल तक इजीली आप उसको ईएमआई पर कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि उसको इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट कर सकते हो। उसके साथ साथ एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है आपका 12% से स्टार्ट होगा, यानी कि 11.99% से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम जो है आपको 24% तक जाने वाला है। सिंपली से हम लोग लॉगिन का प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कैसे इसको अप्लाई कर लेना है, कैसे फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे अपना फोन नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके फोन नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, जो कि आपको यहाँ पे डालना है, और डालने के बाद सिंपली कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने होम पेज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली करना है यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, जो कि आपको अपने ऑफर को अनलॉक कर पाए, ताकि इसमें पता चल सके कि आपको कितना का यहाँ पे लोन अप्रूव्ड होने वाला है। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना फुल नेम डालेंगे, अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, करंट एड्रेस जो पिन कोड है दोस्तों यहाँ पे डालना है, साथ में आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, या आप किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, पब्लिक लिमिटेड में हो, गवर्नमेंट में हो, या फिर से एमएनसी कंपनी में हो, या फिर से दोस्तों आप किसी भी तरह का ट्रस्ट वगैरह में आप काम वगैरह करते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सपोज करो कि जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, प्राइवेट लिमिटेड अगर आपकी कंपनी है तो सिंपली आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। साथ में यहाँ पे पूछ रहा है कि नेट मंथली इनकम, यानी कि आपका मंथ का जो इनकम है दोस्तों आपका कितना है। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है करेंट ईएमआई, यानी कि आपके नाम से अभी कौन सा है, कितना का ईएमआई चल रहा है, वो चीज यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि सैलरी रिसीवेड, यानी कि बैंक डिपॉजिट, कैश और चेक, यानी कि जो आपका सैलरी आता है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है, या फिर से आपको कैश मिलता है, या फिर से चेक के जरिए मिलता है। तो आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अनलॉक योर ऑफर का ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अनलॉक योर ऑफर के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन बन किया जाएगा। उसके पास यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मच डू यू नीड, यानी कि आपको कितने पैसे की जरूरत है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो सिंपली आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा कि 50,000 के लिए अप्लाई करना है। साथ में दोस्तों यहाँ पे साथ में टेनर का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कितने मंथ के लिए ले रहे हो, और आपका ईएमआई जो है दोस्तों कितना यहाँ पे देना पड़ेगा, और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोस्तों मंथली जो है 1.42% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, जो कि दोस्तों अदर एप्लीकेशन से अगर कंपेयर करूं तो काफी ज्यादा बेस्ट है। तो अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कितने मंथ के लिए चाहिए। सपोज करो अगर 36 मंथ के लिए चाहिए तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपको 50,000 की नीड है और आपको 1783 रुपया जो है 36 मंथ तक आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद से दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, गो अहेड का जो ऑप्शन है सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से फ्रेंड इस तरीके से कुछ होम पेज बन के आ जाएगा, इसमें कुछ आपको डिटेल्स वगैरह जो है दोस्तों यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो सिंपली अपना मटेरियल स्टेटस जो है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से अपना यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी जो है डालेंगे, करंट एड्रेस जो है यहाँ पे डालेंगे, जहाँ पे भी जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर होगा, अगर यही एड्रेस जो है आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे टिकआउट पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो सिंपली दोस्तों आपको दूसरा वाला जो है एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो मेरा सेम है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। करेंट रेसिडेंस जो है दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप रेंटेड हो या फिर से आप फैमिली के साथ रहते हो, तो अगर अपना है तो यहाँ पे ऑन पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टेइंग सीन्स, यानी कि आप इस जगह पे, यानी कि जो भी आप एड्रेस डालोगे उस एड्रेस के ऊपर आप कितने दिनों से रह रहे हो, कब से रह रहे हो, तो अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
जब से भी आप रह रहे हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे, डालने के बाद सिंपली सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, सिंपली इसको आपको क्लिक कर देना है। इसके पास दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन बन के आ जाएगा, उसके पास आपका सारा डिटेल शो करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस कंपनी में काम करते हो, तो अपना यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे, करंट ऑफिस एड्रेस जो है जो भी कंपनी का एड्रेस होगा यहाँ पर डालेंगे। उसके पास यहाँ पे ऑफिस ईमेल एड्रेस यानी कि आपका जो है ऑफिस का जो ईमेल एड्रेस वो डालेंगे, जो कि ये पर्सनल है तो डालेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके पास दोस्तों यहाँ पे टोटल वर्क एक्सपीरियंस जो है आपको यहाँ पे ईयर में और मंथ में क्लेरिफाई करना है, यानी कि आप कितने साल से कर रहे हो, कितने मंथ से कर रहे हो, वो चीज यहाँ पे डालेंगे। सपोज करो आप 1.5 साल से कर रहे हो तो यहाँ पे 1 ईयर डालेंगे, यहाँ पे आपको 6 मंथ डालना है, ठीक है। उसके पास सिंपली सेव एंड प्रोसीड का जो ऑप्शन है सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है दोस्तों सबमिट हो जाएगा। इसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपका अप्रूवल हो जाता है, यानी कि अगर आप उस लोन के लिए एलिजिबल होंगे तभी आपका एप्लीकेशन जो है दोस्तों यहाँ पे अप्रूवल होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन बंदा जो है इसे अप्लाई कर सकता है, तो आप सेलाइड हो तो इजिली आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सिंपली आपको फुलरटन इंडिया वेबसाइट पे जाकर इजिली वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।